हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। एंड मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ एक अच्छा सा वीडियो लेके। आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हमें शीट मास्क को कैसे अप्लाई करना है। अब आपको पता है कि क्या क्या करना है, पर आपको ये नहीं पता है कि क्या नहीं करना है। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली यही बातें करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको शीट मास्क अप्लाई करने के टाइम पे नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने की तो उसके कुछ अपोजिट इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसका प्रॉपर लाइव डेमो देने वाली हूँ। डेमो देते देते मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज करो, ये चीज मत करो। तो अगर आप वो चीज देखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में मैं जिस शीट मास्क की बात करूंगी, जिसको मैं यूज करके, जिसको अप्लाई करके आपको बताने वाली हूँ, वो है लैक्मे के ब्लश एंड ग्लो के शीट मास्क। सबसे पहली बात तो मुझे ये शीट मास्क बहुत पसंद है, क्योंकि इनका एक तो पहली बात है इनका पैकेजिंग कलर, वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो फ्रूट्स को बहुत ज्यादा यू नो पसंद करते हो, इवन इन फ्रेग्रेंसेज ऑल्सो, तो आपको ये वाले शीट मास्क पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है, बहुत माइल्ड है। तो वो चीज अच्छी लगेगी आपको स्पेसिफिकली। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो जनरली शीट मास्क में जो सीरम्स में जो इंग्रेडिएंट्स ह्यूमेक्टेंट्स होने चाहिए वो इन्होंने दे रखे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है जो कि जनरली शीट मास्क में होती है, और नहीं हो तो दिक्कत है। जैसे इन्होंने यू नो कैस्टर ऑयल दे रखा है, नायसिनमाइड दे रखा है, हनी दे रखा है, बहुत सारे। और जो चीज है वो है फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो स्पेसिफिकली अगर स्ट्रॉबेरी की बात करते हो तो स्ट्रॉबेरी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑरेंज की बात करते हो तो ऑरेंज एंड कीवी बात करते हो तो कीवी। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो आपको स्पेसिफिकली जो भी फ्रूट का आप फेस शीट मास्क अप्लाई कर रहे हो उसका आपको स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आने वाली है। तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, मुझे कीवी पसंद है, एंड इफ आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अप्लाई करूं एंड इफ आई विल जस्ट गेट या भीनी भीनी सी खुशबू, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये चीज के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। प्राइस इज क्वाइट गुड, लाइक 20 ml का 99 rupees चार्ज है, जो कि इन जनरल शीट मास्क का होता ही है। तो प्राइस को लेके और इसको लेके तो मुझे कोई कंप्लेन है ही नहीं। पैकेजिंग इज ऑल्सो क्यूट, स्टर्डी, छोटा सा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा पैकेजिंग नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम क्या करते हैं, शीट मास्क लगाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और प्रोसेस के दौरान ही मैं आपको बताती रहूंगी। पिछले बार मैंने, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट टू डू, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है व्हाइल अप्लाइंग शीट मास्क। सो सबसे पहली चीज आती है ये कि पहले तो आप जब भी कुछ इस टाइप की चीजें अप्लाई करो अपने फेस पे, आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली टाई होने चाहिए। चाहो तो जूड़ा बना लो, चाहे तो बैंड लगा दो, लेकिन बालों को पीछे रखो। बाल जो है वो आपकी प्रोसेस को हिंडर नहीं करना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है अपने को। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, फेस को तो वॉश कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी फिलहाल फेस को वॉश किया है। हाँ, डर्टी फेस पे या वॉश ना किया, जैसे मतलब आपने ऐसा किया हो सकता है कि आपने मेकअप ना लगाया हो, बट आप सोचो कि घर पे तो है, मेकअप तो लगाया नहीं है, तो चलो ऐसी शीट मास्क अप्लाई कर लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप शीट मास्क अप्लाई करते हो, आपका जो फेस है वो प्रॉपर क्लींज होना चाहिए, उसके बाद ही आपको फेस मास्क अप्लाई करना है। तीसरा डोंट, जो कि होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फेस चलो वॉश कर लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली शीट मास्क अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, फेस के वॉश करने के बाद जो चीज हमें नहीं करनी है कि वॉश करने के बाद विदाउट टोनर आपको शीट मास्क नहीं लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको शीट मास्क लगाने के क्लींजिंग के बाद टोनर लगाना है अपने फेस पे। तो मैं जो टोनर के लिए, तो उससे मैं टोनर से पहले हमेशा ये कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर यूज कर करती हूँ। मैं इसको एज अ टोनर भी कई बार यूज कर लेती हूँ, बट नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन में तो मैं इसको टोनर के जैसे यूज कर लेती हूँ, बट नाइट केयर रूटीन में मैं एक स्पेसिफिक टोनर यूज करती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़े से 4-5 pump अपने फेस पे इसके जरूर डालती हूँ। ये मेरा होली ग्रेल है, मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती अपने स्किन केयर रूटीन में। सो आई जस्ट अप्लाई 4-5 pumps। ओके, तो ये मैंने अप्लाई कर लिया, इसका बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा। अब मैं इसको 10 से 20 सेकंड का टाइम दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए, बस मैं पैट करती रहूंगी। मेरे को ये आदत बहुत ज्यादा है कि मैं जब भी स्किन पे कुछ भी लगाती हूँ मैं उसके बाद पैट करती हूँ,
पैड करने से आप क्या कर रहे हो, आप एनीवेज ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके फेस पे वो बढ़ा रहे हो और इससे ड्राई भी हो जाता है। तो मैंने पैड कर लिया है और 20 सेकेंड हो गए हैं, तो अब मैं एक टोनर यूज करूंगी। टोनर के लिए आई एम यूजिंग दिस प्लम का ग्रीन टी टोनर। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट टोनर है। कभी भी मेरी स्किन पे ब्रेकआउट या ऐसा कुछ होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या इन जनरल भी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं ये टोनर यूज करती हूँ। टोनर बहुत अच्छे से काम करता है। मैं कुछ ड्रॉप्स लूंगी इस टोनर की और इसको पैट करके अपने फेस पे लगाना स्टार्ट करूंगी। ऐसे हमेशा याद रखना, टोनर को पैट करके ही लगाना है, विदाउट पैटिंग टोनर नहीं लगाना है। ऐसे मलना नहीं है अपने फेस पे, जस्ट पैट इट, जस्ट पैट इट। और अपने नेक एरिया को बिल्कुल भूलना नहीं है, प्रॉपर नेक में अप्लाई करो, ठीक है। तो अब मैंने टोनर लगा लिया है और मैं प्रॉपरली इसको सूखने दूंगी, ठीक है। अब टोनर लगा लिया है, अब हम चलते हैं कि हमको शीट मास्क लगाना है। मैं ये वाला शीट मास्क यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे किवी का जो यू नो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा लगता है, तो हम ले लेते हैं। ओके, काफी अच्छी खुशबू आ रही है अंदर से और इसमें अभी भी सीरम बचा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर बाद यूज करूंगी कैसे करना है, बट अभी के लिए तो लेट्स अप्लाई दिस क्यूरी। ओके, प्रॉपर और अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। जो एक्सेस आपके पास है वो आप प्रॉपरली ऐसे हाथों में लगा सकते हो क्योंकि ये सीरम ही तो है, तो इसको बहुत अच्छे से हाथों में लगा लो। मैंने क्या किया था, मैंने अपने सीरम को जो है जो अपने शीट मास्क को रेफ्रिजरेट करके रखा हुआ था फॉर 5-10 मिनट्स। आप चाहो तो कर सकते हो, उसका काफी कूलिंग इफेक्ट आता है। और अब मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट रिलैक्स करूंगी, आंखों में लगाऊंगी ये आर्टिफिशियल खीरे। इनमें यू नो मैंने मिनिसो से परचेज किए थे, इसमें कुछ तो भी जेल है। मैं इसको प्रॉपरली अपने आईज पे रखूंगी तो काफी काफी ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होने वाला है। तो 15-20 मिनट्स बाद मिलते हैं और बातें करते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं और ये हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जो बचा हुआ सीरम मुझे इसमें बचा हुआ है, ओके, उसको मैं अपने हाथ में लूंगी। देखो आप, इतने अमाउंट ऑफ सीरम और बचा हुआ है, मैं इसको ऐसे करके वापस से एक अप्लाई कर लूंगी और रेस्ट बचे हुए को मैं एनीवेज फिर से अपने हाथों में अप्लाई कर लूंगी। बस फिर अब और 10 मिनट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद हम रिमूव करेंगे। ओके, सो 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ सिंपली। बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। जिसकी फ्रेग्रेंस थी वो भी काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई है। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा कीवी का फ्रेग्रेंस आ रहा था, बट अभी इट्स गुड। और मैं अभी क्या करूँगी, एक बार ऐसे प्रॉपरली पूरे फेस पे सब जगह फेर लूँगी इसको, क्योंकि स्टिल इसमें सीरम तो रहता ही है। सो नाउ, अब जो लास्ट गलती हम करते हैं वो ये होती है कि जब हमने ये लगा लिया फेस मास्क, उसके बाद हमने इसको हटाया, हम इसको ना, कई लोग इसको वॉश कर लेते हैं। भाई ये सीरम है, इसको वॉश नहीं करना है, इसको ओवरनाइट रखना है हमारे फेस पे ताकि ये अपना असर दिखा सके। तो नेवर एवर वॉश दिस, ओके। अब दूसरी गलती हम ये करते हैं कि चलो वॉश नहीं किया, बट अब क्या किया, बस ऐसे ही लगा दिया है, हो गया है। अब एक्स्ट्रा कुछ लोग ऐसे लगता था, वो ऐसे पोंछना थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं और फिर हल्का सा वो करके छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। आप खुद सोचो कि जब आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप सीरम टोनर लगाने के बाद सीरम लगाते हो, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो ये भी तो एक टाइप का सीरम है जिसे लगाने के बाद हमको मॉइस्चराइज लगा के इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट करना है, करेक्ट। तो वो करना हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसके बाद हम लगाएंगे
यू नो एनी लाइट वेट मॉइस्चराइजर। लेकिन उससे पहले भी एक जो गलती है वो नहीं करनी चाहिए हमें, वो ये है कि अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो एटलीस्ट अपने फेस को 5 to 7 minutes दीजिए, क्योंकि जस्ट आपने अभी ये शीट मास्क रिमूव किया है, अभी भी फेस पे एक सीरम की लेयर है जिसे सूखना जरूरी है। तो अभी आपको ये लगाने के बाद 5-7 मिनट जस्ट छोड़ देना है, 5-7 मिनट बाद आपको आराम से इसमें मॉइस्चराइजर लगाना है। सो अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मेरा सीरम जो है वो काफी हद तक यू नो एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब मैं मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज दिस लैनेज वाटर स्लीपिंग मास्क। ये बहुत बहुत ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं इसको लेने वाली हूँ। लेकिन अब ट्राई करेंगे हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं, जस्ट थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेना है, ऐसे करके पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करके जस्ट मॉइस्चराइजर को बहुत हल्के हाथों से पूरे फेस पे फैला लीजिए। तो मॉइस्चराइजर लग गया, नाउ यू आर गुड टू गो। अब बाकी अपने आई केयर एंड बाकी सारी चीजें हैं वो सब करो और मस्त वाली नींद निकालो, आपने अपने फेस की काफी अच्छी केयर कर ली है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करो। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।